ओके, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग. सब लोग ठीक हो? एकदम ठीक, फिट, फाइन. तो एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम. बेहतरीन चैप्टर है, और हर साल इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस कंफर्म आ जाते हैं. कई बार रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, बट हाँ, क्वेश्चंस जरूर आते हैं. क्वेश्चंस बच्चों को थोड़ा सा टफ लगते हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा कंसेप्चुअल है. तो हम इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं. बस ज़रूरत है तुम्हारे अटेंटिवनेस की, और इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से देखें. पॉसिबिलिटीज ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाएंगे, है ना? पॉसिबिलिटीज अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? देखते हैं. और मेरा नाम अनुराग है, जो बच्चे मुझे जानते हैं, वंडरफुल. और आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ यहाँ पर और प्लस प्लेटफॉर्म पर. अनअकैडमी आपके लिए एक बेहतरीन स्टडी पार्टनर की तरह काम करता है, और हर वीक एक नया बैच लॉन्च करता है. जैसे इस आज से एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, और नाम है मेरे उस बैच. तो बेहतरीन टीचर्स हैं, और नए सिरे से एकदम पढ़ाई शुरू होगी. तो स्टार्ट विद दिस फर्स्ट थिंग. आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. जैसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का डायरेक्ट बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है कि लाइव डाउट सेशंस हैं, लाइव मेंटरिंग सेशंस हैं, आपको प्रिंटेड फिजिकल नोट्स मिलते हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाए. साथ साथ में आपके जो डाउट हैं वो आपकी अपने मेंटोर से डायरेक्टली ऑडियो कॉल के थ्रू बात कर लें. तो यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं कि अपना आप सेशन सेलेक्ट करें, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट करें, और वहाँ पर अपने नोट्स ऐड करके अपने डाउट सेशंस को कंफर्म करें. तो मतलब एक टाइम फ्रेम में आप चीज़ों को कर सकते हैं. एक और अच्छी चीज़ ये कि ये जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में इस फीचर के साथ में ये प्राइस होना अपने आप में लाइक बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क है. बट अनअकैडमी ये चीज़ कर रहा है. 1 साल या 2 साल का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. 1 साल का सब्सक्रिप्शन 65,000 का है, 2 साल का 1 लाख का है. दोनों में ही 10% फीस ऑफ हो जाएगी जैसे ही आप कोड यूज़ करते हैं ATSIR. तो आपको कोड यूज़ करना है और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है. अनअकैडमी कुछ बेहतरीन ऑफर्स के साथ में भी आया हुआ है, जैसे कि 9th, 10th CBSE. अगर आप एक साथ 2 साल का खरीदते हैं तो आपको 4 ईयर मतलब अगले 2 साल भी आपको फ्री में मिल रहे होते हैं. मतलब 9th, 10th, 11th, 4 साल आपको फ्री मिल जाते हैं. 2+2 ऐसे आप समझो, ये एक बेहतरीन ऑफर है. साथ में तो ये 64,000 का हो जाएगा, जो पहले था और अभी 81, 2 साल का जो था. इस तरह से आपकी कितनी फीस बच रही है ना? कहाँ 65,000, और उसमें सीधे 16,000 रुपये आपके डायरेक्टली बच रहे हैं. और 4 साल तक आप अनअकैडमी तक से पढ़ सकते हैं अपनी बेहतरीन पढ़ाई. साथ साथ में जो फाउंडेशन वाले हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन ऑफर है कि आप 9th, 10th का परचेज करें और आपको नीट मिल रहा है 4 साल के लिए. इट इज़ ओनली अवेलेबल फॉर फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स. तो ये 57,000 है, राइट? जल्दी से इस ऑफर को अवेल करें और बाकी बच्चों को भी बताएं. हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई. अच्छा, दुनिया में कितने ऑर्गेनिज्म हैं, इमेजिन किया है? वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग. दुनिया में कितने ऑर्गेनिज्म हैं, और ये सारे जो भी ऑर्गेनिज्म हैं सुनेंगे इस बात, ये जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं इनमें आपको एक दो चीज़ें ज़रूर मिलती हैं. इनमें आपको एक दो चीज़ें ज़रूर से ज़रूर मिलती हैं. क्या? इनकी वैरायटीज को हम कैसे पढ़ें, इनकी वैरायटीज को हम क्या करें, है ना? मतलब ऐसा क्या करें कि हम प्रॉपर तरीके से इनको प्रॉपर स्टडी कर सकें, क्लासिफाई कर सकें. तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन. हम किस किस तरीके से क्लासिफाई कर पा रहे हैं, हम किस किस तरीके से चीज़ों को क्लासिफाई कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं. सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आई, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, कैरोलस लीनियस ने क्या किया, ध्यान से सुनो. कैरोलस लीनियस ने स्पेशली इस चीज को समझेंगे कि हर चीज को एक सुपरफिशियल फॉर्म में थोड़े बहुत फीचर्स प्लांट के देखे, स्पेशली जैसे एंड्रोशियम को देखे, है ना? एंड्रोशियम को देखे. एंड्रोशियम क्या होता है? जो मेल पार्ट. एंड्रोशियम को देखकर इन्होंने चीजों को क्लासीफाई किया. अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, एक बेस्ड ऑन फ्यू वेजिटेटिव कैरेक्टर और सुपरफिशियल जो ऊपर ऊपर से दिखते हैं उनके बेसिस पर ये था.
सिर्फ हम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में समझेंगे, एल्गी वाला पार्ट हम कल कर रहे हैं, राइट। तो क्या वर्ड यूज किया, वेजिटेटिव क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर्स और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे उसकी हैबिटेट देख ली, कलर देख लिया कैसा है, नंबर देख लिया कैसा है, शेप देख लिया कैसा है ना, जो लीफ का है, इनके बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई किया। और जो मेन बेसिस था वो क्या था, ये याद रखेंगे, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर। क्या बोल रहे हैं, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझनी होगी, याद रखनी, ठीक है, कोई डाउट नहीं। हाँ जी, कोई डाउट नहीं। ये था आर्टिफिशियल, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, क्या थी बच्चों, सुनेंगे ध्यान से, दे सेपरेटेड है ना क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, क्योंकि फ्यू कैरेक्टर्स के बेसिस पे थे तो क्लोजली भी सेपरेट हो गए। इनफैक्ट वेजिटेटिव और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वालों को इक्वल वेटेज मिली, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इजिली चेंज नहीं होते, जबकि जबकि है ना क्या जो ये है क्या वेजिटेटिव हैं ये इजिली चेंज हो जाते हैं, जो वेजिटेटिव हैं ये बहुत ही इजिली चेंज हो जाते हैं। ऐसे कुछ फीचर्स को आपको समझना होगा, जितना ज़्यादा आप समझ पाओगे उतनी पॉसिबिलिटी बेहतर होती चली जाएगी, राइट। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजिली अफेक्टेड बाई एनवायरमेंट, एक तरह से बहुत अच्छा सिस्टम नहीं हो पाया। अच्छा, इतनी बातें अगर आप समझ पा रहे हैं ढंग से, तो कुछ और नई बातें सीखते हैं, कुछ और नई बातें यहां समझते हैं। ठीक है, कुछ और नई चीजें यहां देखते, अच्छा नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, चीजों को सिंपल शब्दों में समझेंगे, ठीक। और हो क्या रहा है यहां पर, नेचुरल एफिनिटीज के बेसिस पर ये सब चीजें हैं, है ना, ये सब चीजें कहां पर, नेचुरल एफिनिटीज के बेसिस पर हो रही है। मतलब क्या हुआ इसका, एक्सटर्नल फीचर्स और साथ साथ में इंटरनल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स और साथ साथ में बच्चों किस चीज का, इंटरनल फीचर्स की बातें भी हम यहाँ कर रहे हैं। ये कुछ बेसिक्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझने हैं, है ना, प्रॉपर तरीके से समझने हैं कि हम किस तरह से इन चीजों को लेकर आ पाए। यहां तक की बातें क्लियर, तो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स, जैसे कि अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो का मतलब होता है बच्चों प्लांट, ये वर्ड आपको याद रखना होगा, फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट एक, और उस प्लांट के अंदर के फीचर की बात यहाँ पर की जा रही है ना, ये प्लांट के अंदर के फीचर की बात करते हैं, बिल्कुल क्लियर फॉर्म। तो अंदर जितनी भी चीजें हैं प्लांट के, उन सबको हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे, उन सबको हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। तो ये बेसिक्स हैं जो आपको जितना ज्यादा आप समझ पाए, एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, तो ये कुछ फायदे आप लोगों को डायरेक्टली मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। तो क्लासिफिकेशन पहली बार नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम करने वाले कौन थे, प्लीज इस चीज को समझ लो, छोटा सा टॉपिक है, जितनी जल्दी समझोगे उतना अच्छा है, राइट। तो यहां पर ये पहली बार क्लासिफिकेशन सिस्टम करने वाले कौन, ये समझने की जरूरत है। और इसमें क्या है, जॉर्ज बेंथम एंड जॉर्ज डॉल्टन हुकर, जॉर्ज बेंथम एंड जॉर्ज डॉल्टन हुकर, इन्होंने पहली बार ये क्लासिफिकेशन सिस्टम किया, ये दो लोग थे, बेंथम एंड हुकर करके हम लोग वर्ड यूज करते हैं। एक तीसरी क्लासिफिकेशन सिस्टम आई, छोटा सा ही टॉपिक है, छोटा सी क्लास है, हाँ। तीसरी क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सी आई बच्चे, इसको भी आप समझो। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है,
इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और इसको क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। कौन सी चीज कहाँ से इवॉल्व हुई है ना, ये हमें समझना है, ये हमें प्रॉपरली समझना है, बिना किसी डाउट, है ना, बिना किसी डाउट कौन सी चीज कहाँ से इवॉल्व हुई। एक बात, अब मान लो भाई ये सारे जैसे गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, गिब्बन है, ह्यूमंस हैं, ये सब कहीं ना कहीं एक जगह से तो इवॉल्व हुए। तो यहाँ पर सेम टेक्सा के पास ज्यादा है ना, मतलब कॉमन एंसेस्टर होने की पॉसिबिलिटी हो जाए, राइट। ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम टेक्सा हैव कॉमन, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में समझ में आ चुकी है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। देख लेते हैं कितना हम और कर पाते हैं। जब ये चीज आपको समझ में आ रही है ढंग से, तो नेक्स्ट वन इज व्हाट, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल का मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे पास फॉसिल का एविडेंस नहीं है, फॉसिल्स के एविडेंस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ये बात समझने वाली है। तब फिर मैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी, ये देख रहे हो, या फिर कीमो टैक्सोनॉमी, इनका इस्तेमाल करूंगा क्लासीफाई करने के। मैं क्या करूंगा, कि कोई ऑर्गेनिज्म लूंगा, उसमें जितने भी फीचर्स हैं उनको नंबर या कोड दे दूंगा, जैसे उसका टॉलनेस नंबर वन, किस टेक्सा की बात करें उसको ए दे दिया, और ऐसे मोर देन 100, क्या मोर देन 100 किसकी बात करेंगे, कैरेक्टर फीचर्स की बात कर रहे होंगे, ये सारे फीचर्स को हमने कंप्यूटर में डाल दिया। हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड एंड गिवन इक्वल इंपॉर्टेंट, और इसको कंप्यूटर में सारे फीचर्स डाल के कंपेयर करा दिया, है ना, कंप्यूटर में डालकर। तो बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर और इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में ये मतलब मोर देन जो है 1000 100 जितने भी हैं, ये सारे फीचर्स आपने डाल दिए, राइट। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छा है। तो इसको बोला न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्या वर्ड यूज किया बच्चों, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बातों को आपको याद रखना है, जितना ज्यादा समझ पाओगे उतना अच्छा, जितना ज्यादा समझ पाओगे उतना बेहतरीन। एक और है साइटोटैक्सोनॉमी। क्या वर्ड यूज करें, साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है, किसी भी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब सेल के अंदर की इंफॉर्मेशन की बात, जैसे क्रोमोजोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। क्रोमोजोम नंबर है ना, स्ट्रक्चर एंड व्हाट बिहेवियर, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं, जितनी ज्यादा समझ जाओगे उतनी ज्यादा अच्छी बात, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक और अच्छी चीज, कीमोटैक्सोनॉमी, जब हम किसी भी प्लांट के सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, अलग अलग प्लांट को उस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, तो हम इसको क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों, कीमोटैक्सोनॉमी वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या कीमोटैक्सोनॉमी, दैट्स इट। तो ये था है ना, इसके अलावा जो एल्गी वाला पार्ट है हम कल करते हैं, सुकून से करेंगे, और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो भी हम प्लान करते हैं कि हम लोग सिस्टमेटिक कर पाए। एल्गी में तीन टाइप की एल्गी आपके सिलेबस में है, पहली चीज क्या, जो आपका ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, तीनों के बारे में सुकून से हम लोग समझने वाले हैं, बट अभी के लिए आज इतना ही रखते हैं, और कल इसकी फर्दर की क्लास लेते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, कंप्लीट पार्ट है, तो हम लोग इसको कर भी सकते हैं, बट हाँ इसको कल मॉर्निंग में एक बार अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। अच्छा हाँ सुनो, इस संडे को हमारा एक टेस्ट है, और टेस्ट में हमारे पास क्या है, ये फ्री टेस्ट है, और एंड्रॉयड ऐप पर होगा, सिर्फ एंड्रॉयड ऐप पर होगा। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आप इसमें टॉप 3 रैंक लाते तो क्या होगा, आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से फ्री मिल रहा होगा, 100% स्कॉलरशिप। एक कोई बात नहीं, मान लो 4 to 10 रैंक आ जाती, 75% स्कॉलरशिप, जो भी फीस है उसमें 75% ऑफ हो जाए सीधा सीधा। 11 to 40 रैंक लाते हैं, 50% स्कॉलरशिप। 41 to 6 50 लेकर आते हैं आप, ये देखें, राइट, तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिल रही है। एंड 651 से लेकर कुछ भी रैंक आ जाए, 15% सिर्फ टेस्ट देने देने का है, आपको डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिलेगा। आपको ये टेस्ट जरूर देना चाहिए, आपको ये टेस्ट जरूर देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के लिए आपको
फ्री स्कॉलरशिप की बातें हो रही है। तो जल्दी से इस टेस्ट को दें, शुरुआत करें, पढ़ाई करें। जो भी टेस्ट देगा उसको स्कॉलरशिप मिलनी तय है। सिलेबस क्या है जरा देख लें। फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशंस एंड वेक्टर्स, साथ में 12th क्लास के लिए इलेक्ट्रोस्टैट्स और गॉस लॉ, और इन्हीं दोनों का मिक्सचर है जो ड्रॉपर वाले बच्चे। केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट हैं और एटमिक स्ट्रक्चर है। 12th में सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट, ये और इन दोनों का मिक्सचर आपके ड्रॉपर में। बायोलॉजी में क्या है, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगर तुम 11th में हो, 12th में हो तो रिप्रोडक्शन, और ड्रॉपर में हो तो इन्हीं दोनों का मिक्सचर, राइट, दैट्स इट। कितना ईजी है, तो इसको जरूर दें, है ना। और हर बच्चे के लिए स्कॉलरशिप है। सबसे अच्छी बात क्या, हर बच्चे के लिए स्कॉलरशिप है, एंड दैट्स वाई वी कॉल इट। अच्छा, ये पूरी तरह से फ्री है एंड वी कॉल इट एज मेगा कॉम्बैट, नीट यूजी के लिए मेगा कॉम्बैट, ठीक है ना। तो बस मेहनत से टेस्ट दो, संडे को होने वाला है, तुम्हें पता होना चाहिए। अक्टूबर 27 को जो है, 17 को 11 बजे, सुबह 11 बजे, और पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, तुमको अगर टर्म वन की भी तैयारी करनी है मेरे साथ, या नीट 2022 का फुल क्रैश कोर्स के स्टाइल में आपको पढ़ना है, तो आप जूलॉजी मुझसे 8:30 बजे शाम को पढ़ सकते हैं। साथ में यहाँ पर मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लें, और मेरी क्लास की टाइमिंग ये है। अब इसका जो टेस्ट होगा, हम लोग टेस्ट ले रहे होंगे, कब ले रहे होंगे, 1 बजे, राइट, और ये जो टेस्ट होगा इसको हम कब ले रहे होंगे, 10 बजे। तो ये इस तरह से 8:30 बजे वाली क्लास का 10 बजे टेस्ट होता है। कोड आप यूज़ कर दें 80 सर, आप पढ़ाई शुरू कर दें, प्लस पर आ जाओ, और जो चीज़ यहाँ नहीं मिल पा रही है वहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मोर देन 50 एजुकेटर से आप पढ़ाई कर सकते हैं। कोड आपका कौन सा है, 80 सर, आपकी फीस में डायरेक्टली ऑफ मिल जाए, है ना। तो मैक्सिमम डिस्काउंट की पॉसिबिलिटी आपके पास 80 सर कोड से हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ाई करो, मेहनत करो, लगे रहो, और जहाँ ज़रूरत हो बताते।